दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका करियर प्लस चैनल में। अपनी जो है पहली अपडेट को अपनी आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। इसमें जो है कि उज्ज्वला जो योजना होती है उसमें मिलेंगे 75 लाख कनेक्शन। ये जो कनेक्शन जो है ये LPG जो गैस होती है उसके कनेक्शन होंगे। मतलब क्या है, यहाँ पर जो 75 लाख जो है नए कनेक्शन के लिए जो है उज्ज्वला जो योजना होती है उसके अंतर्गत जो है ये उनको मिलेंगे। और यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो LPG कनेक्शन के लिए यहाँ पर जो है वो रसोई गैस के अंतर्गत जो है स्टोव मुफ्त मिलेगा, सब कुछ मुफ्त मिलेगा। तो यहाँ पर जो है सरकार पर पड़ेगा 1,650 करोड़ का जो है अतिरिक्त भार। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। और नेक्स्ट अपडेट की ओर बात करेंगे, इसमें UPSC जो है मुख्य परीक्षा के लिए जो है मामूली त्रुटि पर जो है प्रवेश पत्र नहीं रुकेगा। अब आपने देखा होगा कि अगर छोटी मोटी गलती हो जाए तब भी एडमिट कार्ड आपके जो है जारी कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर भी जो है लिखा दिया बुधवार को जो है त्रुटि में अब कोई जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो है छोटी मोटी त्रुटि पर जो है कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये बता दिया गया है कि शैक्षिक योग्यता के और डॉक्यूमेंट इसके अंत के अंतर्गत जो है जो भी प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पर जो है उनको जो है एडमिट कार्ड नहीं रोका जाएगा। और यहाँ पे जो है विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की डिग्री जारी नहीं किया गया था, तो उसमें जो है इन्होंने कोर्ट में दाखिला इसमें जो है दायर कर दी थी रिट, और इसके बाद इनको इसको जो है इनको जो है मिल गई राहत। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। और नेक्स्ट अपडेट की ओर बात करेंगे, इसमें यूपी के स्कूलों में जो है पढ़ाई घंटे कम होंगे। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है अब यहाँ पर पीरियड कम होने जा रहे हैं। और यहाँ पर बता दिया गया सोमवार शुक्रवार तक जो है 5.5 घंटे की पढ़ाई, और 4 से जो है 2 शनिवार 2-2 घंटे और 2-2 घंटे का अवकाश इसमें मिलेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, और 35 मिनट का जो है कक्षाएँ होंगी। यहाँ पर जो है पहले 40 मिनट की कक्षा होती थी और 40 से 50 मिनट की कक्षा होती थी, अब नहीं है, अब केवल 35 मिनट की कक्षा होंगी। और साल में जो है 10 दिन बिना बैग स्कूल आए आप आ सकते हैं, है ना। तो आपको जो इसमें जो स्कूल में बैग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस 10 दिन है ना, ऐसा यहाँ पर पढ़ाई कराई जाएगी। और नेक्स्ट अपडेट की ओर बात करेंगे, इसमें सचिव परीक्षा तो ये DELED है। DELED के अंतर्गत फॉर्म के लिए यहाँ पे जो है अभिलेखों की जांच के लिए यहाँ पे समय सारणी जारी कर दी गई है। और आज के अखबार में जो यही खबर दे रखी है, यहाँ पे 18 सितंबर 2023 से लेकर 20 सितंबर तक जो है कार्यक्रम स्टार्ट होगा। रैंक बाई रैंक 21 सितंबर 2023 से यहाँ पर जो है बता दिया गया। तो DELED वालों के लिए बम्पर को खुशी है। ये काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है, और ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे जाके ये वाला फॉर्म आप जो है इसका जो है काउंसलिंग वाला भर सकते हैं, है ना। और रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल ये फीस के लिए यहाँ पे जो है बोल दिया गया है, ये जो है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। ये जो नेक्स्ट अपडेट की उत्तर प्रदेश लोकसभा की तरफ से यहाँ पर बता दिया गया है कि यहाँ पर जो है ये जो आपने पुरुष और महिला इसमें जो सहायक नगर अभी इसमें जो उन्हें जो की परीक्षा है, तो इसमें आपने देखा होगा कि इन्होंने भुगतान कर दिया गया और तिथि भी घोषित कर दी, अब इनको जो चेंज करके जो है यहाँ पर कर दिया गया। और इनमें जो करेक्शन के यहाँ पर डेट भी दे रखी है, ज़्यादा जानकारी इसकी आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। और आपको मैं जो हूँ बताना चाहूँगा, कल मैंने ये वीडियो अपलोड किया हुआ था, तो इस वीडियो में जो है वॉइस नहीं आ रही थी, मतलब उन्होंने कहा कि जो बच्चे वॉइस कह रहे थे वॉइस नहीं आ रही, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आवाज़ आप तक पहुँचे। और कोई भी यूट्यूबर नहीं ये नहीं चाहता है कि जो हमारे जो है सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो फॉलोवर हैं, उनके पास वॉइस ना जाए, क्योंकि वीडियो क्लियर इसमें होना चाहिए कि मैं आपको बता क्या रहा हूँ, है ना। तो इसलिए उसके लिए सॉरी। अब मैं आगे आपको बता रहा हूँ, जो इस वीडियो में मैंने आपको जो है बताया था वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और जो सबसे पहले बात करेंगे, इसमें आपने देखा होगा कि सेवा योजना कार्यालय पर जो आपने कहा था सेवा योजना पोर्टल पर जो एक बार रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, वहीं से वैकेंसी आती है और भर्ती और सैलरी इसमें कम नहीं होगी। अगर ये लेकर अगर आदमी कोर्ट में पहुंच जाए ना कि ऑफिस क्लर्क की भर्ती निकाली गई, सैलरी 40,000, तो 100% मिलेगी, क्योंकि ग्रेजुएट इसमें आ गया है। और यहाँ पर जो 14 सितंबर आवेदन की अंतिम तिथि है, आज रात 12 बजे तक इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। और कानपुर नगर से भर्ती निकाली गई है, और कहाँ पर निकाली गई है विभाग का नाम भी दे रखा है इसमें, अटल आवासीय विद्यालय समिति। अटल वाले तो भैया रुपया वैसे कमाते, क्योंकि ये केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर ही जो है वो खोले गए स्कूल। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये 40,000 रुपये इसमें आपको सैलरी मिलेगी, और मिलती है, लोग बार लगे हुए हैं, मेरे स्टूडेंट खुद काम कर रहे हैं इसमें जो है। तो आप बताइए 40,000 किसको दे रहे हैं, तो इसमें आप फॉर्म भरिएगा। फॉर्म आपको कैसे भरना है मैं आपको बताऊंगा। कंपनी का नाम ये दे रखा है, ऑफिस पियोन है, संविदा की नौकरी है, कोई बात नहीं है। और यहाँ पर जो है ये परमानेंट बाद में हो जाएंगे इसकी, क्योंकि सैलरी बहुत मोटी है और ग्रेजुएट है। और यहाँ पर भी आप ये पोस्ट ग्रेजुएट केवल इसमें ग्रेजुएट मांगा, सैलरी यहाँ पर दें, अब भी देख सकते हैं 40,000। एज लिमिट की बात करेंगे 18 से
35 वर्ष इसमें एज लिमिट बताई गई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से वैकेंसी निकली गई है और आपको करना क्या है, इसके नीचे आना है और नीचे आगे यहाँ पे लिखा हुआ आवेदन करें और यहाँ पे जाकर टिक कर देना, आपको क्लिक कर देना और क्लिक करते ही आपका फॉर्म ये सबमिट हो जाएगा, फिर इसका आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू होने के बाद तुरंत आपको जो है जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा। और देखिएगा कल की जब वीडियो में क्या क्या रह गया था, यहाँ पर बताया गया राज्य कृषि जो है प्रबंध संस्थान के अंतर्गत प्योन की भर्ती निकाली गई है, तो प्योन की भर्ती जब निकाली गई है तो यहाँ पर लखनऊ से भर्ती आई हुई है, ठीक है। जब लखनऊ से भर्ती आई हुई है तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, सैलरी इसमें जो है 10,000 रुपये मिलेगी, 10,089 रुपये इसमें आपको सैलरी मिलेगी प्योन की भर्ती के लिए। और जो है एक वैकेंसी और निकाली गई, अलीगढ़ का नाम आप सुने ही होंगे, तो यहाँ पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से जो है स्वीपर के पदों पर जो है विज्ञापन आ चुका है, है ना। तो यहाँ पे अटल आवासीय विद्यालय क्या शिक्षा विभाग है, ये स्कूल होते हैं अटल आवासीय विद्यालय, ठीक है, चाहे आप गूगल पर डाल के देख लीजिए। इसके बाद स्वीपर की वैकेंसी जो आई है वो आई है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग परिवार कल्याण की तरफ से जो है अलीगढ़ में भर्ती निकाली गई है और 14 सितंबर इसमें आवेदन की अंतिम तिथि आज रात 12 बजे तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। 9,230 रुपये इसमें सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। तो इसमें जो है रिक्तियों के विवरण में क्लिक करके जो है आप स्वीपर के पद ये भर सकते हैं, ठीक है। और ये सैलरी इसमें मिल जाएगी आपको और इसमें केवल और 10th क्लास पास इसमें मांगेंगे, आप भी जानते हैं हाई स्कूल में क्या मांगेंगे। पद का नाम आपको दे रखा है, स्वीपर का है और 9,230 रुपये सैलरी है। आप कहाँ से निकली हैं, अलीगढ़ से निकली हैं, बस सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर जाना है, वहीं से जाकर यह फॉर्म आप भर सकते हैं, यहाँ लिखा आवेदन और यहाँ पर जाके आपको क्लिक कर देना, आवेदन आपका सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ बात करेंगे चपरासी की। अब चपरासी यहाँ पे देखिए प्योन की भर्ती निकाली गई है, 8,374 रुपये सैलरी है, कन्नौज जिले से भर्ती आ चुकी है, चिकित्सा विभाग की यहाँ पे जो है ये अंतर्गत है। और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे तिथि मैंने आपको बता दिया 20 सितंबर, अभी बहुत दिन आपके लिए, ठीक है ना, हफ्ते दो हफ्ते पड़े हुए हैं, यहाँ पे जो है 20 सितंबर इसमें आवेदन की अंतिम तिथि है, चपरासी की वैकेंसी है, संविदा की कोई दिक्कत नहीं, घर के घर में नौकरी मिलेगी आपको, कन्नौज जिले में जो है सैलरी इसमें आपको ये मिलेगी। तो आवेदन आपको वही करना है कि यहाँ पे जो है 20 सितंबर आवेदन की अंतिम तिथि है, आपको नीचे जाना है और हाई स्कूल आपने कर रखा तब भी आप इसमें आवेदन करें और कन्नौज जिले से भर्ती आ गई है, तो प्लीज़ यहाँ पे जो है जाके जो क्लिक कर दीजिएगा। एज लिमिट सबकी वही 18 से 45 वर्ष इसमें एज लिमिट है और यहाँ आवेदन आप ऐसे कर सकते हैं। ये और एक चपरासी वैकेंसी जो निकाली गई है वो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से निकाली गई है, इसमें 11,852 रुपये सैलरी मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो है प्राइवेट कंपनी का नाम दे रखा है, स्वीपर की वैकेंसी है और चिकित्सा विभाग की वैकेंसी है। आवेदन तिथि की बात करेंगे 21 सितंबर इसमें आवेदन की अंतिम तिथि, 10 पोस्ट ने 10th क्लास पास इसे मांगा गया है ये। और यहाँ पे जो स्वीपर की के साथ साथ जो है प्योन की भर्ती निकाली गई है और यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे कहाँ से निकाली गई, कन्नौज से, इसमें आप भर दीजिएगा फॉर्म ये। और जो है कुछ जिलों से जॉइनिंग लेटर मिल गया, कुछ से नहीं मिला, आपका अलीगढ़ में भी जो है जॉइनिंग लेटर बहुत जल्द जो है मिल रहे हैं धीरे धीरे। और जो है सीतापुर में राजकीय इंटर में कब भर्ती आएगी, 100% भर्ती आएगी, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको बोला था इसमें आवाज़ नहीं आ रही, इसके लिए गलती है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये अभी कुछ जिलों में जो है वैकेंसी निकाली नहीं गई, पर धीरे धीरे जो है वो निकाली जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूँ, उसमें आपको कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।